नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब मिशन सूर्य 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया जाएगा। 11:50 पर आदित्य L1 मिशन लॉन्च होगा। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से भेजा जाएगा PSLV C-57। सूर्य पर पहली बार भारत भेजेगा आदित्य L1। इसरो ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। तो मिशन मून के बाद अब बारी है सूर्य तक मिशन को अंजाम देने की, और इसी कड़ी में 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। उसका समय भी निर्धारित कर दिया गया है, 11:50 पर आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा से एक बार फिर से इसरो इतिहास लिखेगा। भारत का पहला सूर्य मिशन होगा ये आदित्य L1। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया था, जब भारत ने चंद्रयान को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड कराया। उसके बाद इसरो ने अपना एक नया लक्ष्य तय किया। लंबे समय से इस मिशन की तैयारी चल रही थी और उसकी तारीख और समय भी अब सामने आ गया है। मिशन सूर्य के बारे में बड़ी जानकारी यही है कि 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। 11:50 इसका समय तय किया गया है। L1 मिशन लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-57। पहली बार भारत सूर्य पर आदित्य L1 भेजेगा। इसरो ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। तो मिशन मून के बाद मिशन सूर्य पर इसरो की नजर, और इसी कड़ी में 2 सितंबर को हिंदुस्तान इतिहास लिखने जा रहा है, भारत का पहला सूर्य मिशन। इससे पहले अलग अलग देशों ने L1 तक पहुंचने की कोशिश की है, कईयों को कामयाबी भी मिली है, और अब हिंदुस्तान भी उन्हीं देशों की श्रेणी में अपने आप को शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ने वाला है। 2 सितंबर वो तारीख तय की गई है जब मिशन सूर्य के मद्देनजर आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा। इधर गाजियाबाद में एक बार फिर से अवैध अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर गरजा है। गाजियाबाद में कई सालों से नगर निगम